नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील दत्त। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे वो रहेगा हमारा मानव नेत्र रीट लेवल फर्स्ट, जो है उसके लिए हम तैयार कर रहे हैं साइंस को। तो साइंस में हमारा जो टॉपिक है मानव नेत्र। मानव जो नेत्र है उसके अंदर जो लेंस होता है उसको बोलते हैं हम कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस यहाँ प्रेजेंट है। इस कॉन्वेक्स लेंस के साथ में सिलरी मसल्स जो है वो अटैच होती है, जिनका फंक्शन रहता है पावर ऑफ अकोमोडेशन। पावर ऑफ अकोमोडेशन मींस दे एडजस्ट द फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस की जो फोकल लेंथ है उसको एडजस्ट करते हैं इनके। अब यहां से जो कंप्लीट आई बोल है वो बनता है। ये हो गया हमारा कंप्लीट आई बोल। आई बोल के बाद में हम डिस्कस करेंगे कि जो लेंस है उस लेंस के सामने एक ऐसा पार्ट होता है जिसकी वजह से हमारी आईज में कलर होता है। कलर यानी ये वाला पार्ट होएगा अपना आयरिस। आयरिस की वजह से कलर्ड, आपने देखा हुआ आंखें जो हैं वो ब्राउन कलर की भी होती हैं, ब्लू कलर भी है, कुछ ग्रीन कलर भी आपको देखने को, ग्रेइश कलर भी देखने को मिल जाता है। तो दैट जो कलर जो है वो कलर आयरिस की वजह से होता है। आयरिस के ऊपर एक ट्रांसपेरेंट लेयर होती है जिसको हम बोलते हैं कॉर्निया। तो ये कॉर्निया है जो ट्रांसपेरेंट लेयर है जो इसके ऊपर प्रेजेंट है। उसके बाद में यहां पर मैं राइट कर देता हूं एक वर्ड ए और यहां पर मैं राइट कर देता हूं वी। तो ये जो ए है ये है अपने पास एक्वस ह्यूमर। एक्वस ह्यूमर यानी ये एक लिक्विड है जो यहाँ पर प्रेजेंट है, ट्रांसपेरेंट है। ये ट्रांसपेरेंट लिक्विड क्या करता है, इस कॉर्निया को पिचकने से रोकता है। और यहाँ पर जो विट्रियस ह्यूमर है वो इसके अंदर जो लेंस से लाइट रेज आएंगे उन लाइट रेज को रेटिना पर फोकस करता है। ये जो सर्कल बनाया है इसको हम बोलते हैं प्यूपिल, यानी जो पुतली होती है, बोलते हैं पुतली सी कुड़ती है, फैलती है, ऐसा होता है। जब हम एक डार्क रूम से, एक अंधेरे वाले कमरे से एकदम से लाइट में जाते हैं तो ये पुतली सिकुड़ जाती है, ये सिकुड़ती है और धीरे धीरे फिर वापस फैल जाती है। तो इस तरीके से मतलब प्यूपिल जो है यहाँ पर होता है जहां से लाइट रेज एंटर करते हैं। तो इसका फंक्शन ये नहीं है कि ये सिकुड़ती है और फैलती है, इसका काम क्या रहेगा बेसिकली, जो लाइट रेज सामने से आते हैं वो पैरेलल नहीं होते, उनको पैरेलल करके इन लाइट रेज को कॉन्वेक्स लेंस तक पहुंचाता है। उसके बाद में क्या होगा, देखो जैसे मान लो कोई लाइट रेज आ रहा है वो बिल्कुल लेंस से निकल करके सीधा चला गया और यहां पर आ जाता है, तो यहां पर हमें कुछ भी दिखाई नहीं देता क्योंकि यहां पर क्या होता है, ब्लाइंड स्पॉट होता है। ब्लाइंड स्पॉट होने की वजह से यहां कुछ नहीं दिखता, अंधबिंदु इसको बोला जाता है। उसके बाद में हम बात करेंगे कि जो लाइट रेज यहाँ पैरेलल आने के बाद में, ये पैरेलल प्यूपिल से निकलने के बाद पैरेलल होंगे, वो लाइट रेज क्योंकि ये कन्वर्जिंग लेंस है तो ये उन लाइट रेज को कन्वर्स करता है, ऑप्टिकल सेंटर से छोड़ करके बाकी सभी लाइट रेज को ये कन्वर्स करता है। और कन्वर्स करने के बाद में ये सब आते हैं रेटिना पर, रेटिना पर आते हैं जहां पर इमेज बनती है। ये टोटल फंक्शन रहता है हमारी आईज का कि इसमें इमेज जो है वो रेटिना पर बनती है। तो आज जो टॉपिक हमने डिस्कस किया वो था मानव नेत्र। इसका जो पार्ट रहता है, अभी ये कंप्लीट नहीं हुआ, ये बाकी जो पार्ट है वो नेक्स्ट वीडियो में हम कंप्लीट करेंगे। आज के जो पार्ट हमने डिस्कस किए हैं लेंस है, सिलेरी मसल्स है, आई बोल होगा, नेत्र गोलक जिसको बोलते हैं, कॉर्निया हमने डिस्कस किया। कॉर्निया की सबसे बड़ी और खास बात क्या होती है, एग्जाम में जो पूछा जाता है कि आई में वो कौन सा पार्ट है जो डोनेट कर सकते हैं, हम तो आई में कॉर्निया ही वो पार्ट होता है। आयरिस की वजह से कलर, अब क्वेश्चन आएगा एग्जाम में भी हमारी आंखों का कलर किस वजह से होता है, तो आयरिस की वजह से होता है। लाइट रेज एंटर कहां से करते हैं, कॉर्निया प्यूपिल से करते हैं, तो प्यूपिल से जो है वो लाइट रेज एंटर करते हैं। तो आज के लिए इतना ही काफी है, नेक्स्ट वीडियो में हम आगे डिस्कस करेंगे। थैंक यू।